भैया बहनी राम राम। विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो किचन में छोटा सा घर है तो छोटा सा उसमें टूट गया है और होली पास में आ गई है, तो सबसे पहले अपने किचन को सजाऊंगी। अब मैं चल रही हूँ अपने किचन में दोस्तों। तो इस साइड और ये देखिए पास से टूट गया है तो उसको अच्छे से मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा देखिए इस साइड टूट गया है, तो इसको मैं हटा हटा के अच्छे से किचन को सजाऊंगी। इस साइड भी ये देखिए, तो इसको पहले हम इसको हटा लेती हूँ, उसके बाद बनाएंगे। तो जो पहला लॉकडाउन लगा था तो मैंने लॉकडाउन में देखिए हमारे फैमिली हम लोग मिलकर ये घर बनाए थे वहां समय, क्योंकि उस समय घर से बाहर निकलना मना था। तो सब हमारे बच्चों और मैं मेरे पति सब मिलकर कि लॉकडाउन में बैठे से क्या होगा, चल मन भी नहीं लग रहा है घर में बंद रहने से, तो हम लोग यही अपना किचन सजाया वहां समय। तो घर के अंदर देखिए ढेर सारा कूड़ा हो गया है, तभी इसको साफ सफाई मैं करूंगी। पानी को डाल देती हूँ, अच्छे से मट्टी फूल जाएगी। तो इस साइड देखिए मैंने एक खीला के सहारे देखिए एक इसमें बांस को अच्छे से ठोक दिया है, और एक देखिए मैं बीच वाले ठोक रही हूँ। तो इसको पकड़ लिया है दोनों साइड, और एक मैं इस साइड पकड़ाई हूँ। अब अच्छे से इसको छाएंगे। तो मैंने पतला पतला बांस को जो डंठल है मैं कर लिया है, अब इसी के एक एक करके इसमें सेटिंग करेंगे। तो मैं रस्सी के सहारे इसको अच्छे से गट्ठी मारेंगे। तो गांव में ऐसे बड़ा रूम होता है या छोटा है, तो ऐसे सेट कर करके अपना घर बना के तैयार करते हैं। ऐसा ही मैं सेट करके इसको बांध देती हूँ। इस साइड मैंने बांध के रेडी कर लिया है, अब इस साइड मैं बांध लेती हूँ। तो रस्सी के सहारे इसको बांधेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसमें मजबूती रहेगी, पकड़ रहेगा, तो मैं ऐसे बांध लेती हूँ। तो हमारे गांव में जैसे घर बना के तैयार करते हैं सब मिट्टी का घर, मैं वैसे बना रही हूँ। तो मैं ऐसा ही लकड़ियां बराबर से इसमें सेट करूंगी। तो मैं इसको लकड़ी के सहारे इस पे अच्छे से बिछा दिया है, तो आप चारों साइड आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलूंगी मट्टी गूंद के ले आऊंगी। तो मट्टी मैंने भिगो दिया, तो मट्टी फूल गई, इसको फरसा के सहारे थोड़ा हल्का हल्का मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। मैं मट्टी में थोड़ा थोड़ा इसमें भूसा डाल के और पानी डाल के अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। तो इसी बर्तन में मैं चलेंगे माटी को लगाएंगे। ऐसे मैं इसको माटी का इस पे लेप लगाएंगे छोटा घर पे। तो मैंने अपने किचन के अंदर देखिए छोटा सा ये वाला घर बनाया हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो किचन में सजा रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो मैं ऐसे चारों तरफ अच्छे से माटी में इसको लेप लगाएंगे।
जो इसमें ईंधन दिखाई पड़ रहा है तो अच्छे से ढक जाएगा। इस साइड मैंने लगा लिया है, अब लगाएंगे इस साइड। मतलब चारों साइड मट्टी लगा दिया है रूम में, आप देखिए अब लगा रहे हैं किनारे तरफ। तो मैंने रूम को बना के तैयार कर लिया है, अब मैं करूंगी किचन की पुताई। तो इसमें मैंने देखिए चिकनी मिट्टी घोल के तैयार कर लिया है। इसमें पोतने के बाद सूख जाए तो बहुत ही अच्छे से लाइट आएगा आएगा, तो ऐसे मैं पोत लेती हूँ। सूखने के बाद इसमें देखिए बहुत अच्छे से लाइट आ जाएगी। मैंने खिड़की बना लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ऐसे मैं पोताई कर लेती हूँ। तो देखिए इसमें मिट्टी में मैंने जाम कर दिया है। अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो में कमेंट करना दोस्तों। तो इस साइड मैंने पोताई कर लिया है, अब इस साइड बचा है, तो अब उसके बाद मैं इस साइड पोतूंगी। और हम लोग काफी इसमें मेहनत किए हैं दोस्तों। तो गांव में भी काफी लोग के कच्चा घर है, सब त्योहार त्योहार तो उसको लिपाई पोताई करते हैं, और शादी विवाह पड़ता है तब उसको पोताई करते हैं।